हाय, मैं हूँ शारदा। आज हम बनाने जा रहे हैं लाल मिर्च का अचार। लाल मिर्च का अचार तीखा खाने वालों को बहुत ही पसंद आता है, और वैसे भी खाने की टेबल पर अगर हमें कोई भी अचार मिल जाता है तो हमारा स्वाद और भूख दोनों ही बढ़ जाते हैं। लाल मिर्च आमतौर पे सर्दी में ही मिलती है, इसीलिए इसका अचार सर्दी में बनाया जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए देखिए लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने क्या सामान लिया है। 250 ग्राम हमने लाल मिर्च ली है, जिसको हमने पहले एक बार धो लिया है, और इसको एक हमने साफ कपड़े से बिल्कुल साफ कर लिया है। इतना साफ कर लिया है कि कहीं भी इसमें पानी की नमी नहीं है। 4 छोटे चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है, 2 चम्मच हमने नींबू का रस लिया है, 1 चम्मच हमने सौंफ पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने मेथी दाना है उसको पीसकर हमने पाउडर बना लिया है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच राई को हमने हल्का दरदरा पीस लिया है, 1/2 चम्मच हमने अजवाइन का लिया है, 1/2 चम्मच हमने हल्दी का लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने नमक का लिया है, या नमक को हम अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए लाल मिर्च की हम डंडी को हटा देंगे और बीच में से हम कट लगा देते हैं और लाल मिर्च को हम काटना शुरू करते हैं। इसकी हम डंडी को हटा देते हैं। और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हम इसका कट लगा देते हैं ताकि हम इसमें सारे मसाले भर सकें। इस तरीके से हम डंडी को हटाते जाएंगे और मिर्च में से हम एक कोने से दूसरे कोने तक कट लगा के तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारे मिर्चों के डंडल हटा दिए हैं और एक कट से दूसरे कट के बीच में हमने तैयार कर लिया है। सारे मसालों को हम एक बर्तन में डाल लेते हैं, तेल में और नींबू में इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करते हैं। सारे मसालों को हम तेल और नींबू में मिलाते जाते हैं। एक प्लेट में हम सारे मसाले मिलाते जाएंगे। नमक को मिला लेंगे, हल्दी को मिला लेंगे, राई, धनिया पाउडर, मेथी दाना पाउडर, अजवाइन, सौंफ पाउडर, और साथ ही हम नींबू का रस मिला देंगे। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़े थोड़े हम तेल को मिलाते जाएंगे। और सारे मसाले को खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले हमारे तेल में एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं। सारे मसाले को हमने खूब अच्छे से नींबू और तेल में मिक्स कर लिया है। अब हम एक एक मिर्च को उठाते जाते हैं और साथ साथ हम भरते जाते हैं। एक एक मिर्च को उठाते जाएंगे और हम मसाला को भरते जाएंगे। मसाले को हम बिल्कुल कोने तक भरते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारी मिर्चों को उठाते जाएंगे
और मसाला को भरते जाएंगे। इस तरीके से हमने सारी मिर्चों को भरकर तैयार कर लिया है। लाल मिर्च का अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है। बनाते वक्त हमें बस इतना ही ख्याल रखना है, जिन हाथों से हम बना रहे हैं सूखे और साफ हों। इसके लिए जो हमने बर्तन यूज किए हैं वो सूखे और साफ हों। जिस कंटेनर में हम इसको भरकर रखेंगे वो भी सूखा और साफ हो, मतलब कहीं भी नमी नहीं रहनी चाहिए। और जब हम इसको खाने के लिए भी निकालेंगे तो सूखे और साफ हाथों से निकालें। इतनी सी सावधानी बरतने पर अचार हमारे सालों साल चलते हैं। लाल मिर्च का अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है। लाल मिर्च के अचार को आप बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।